हेलो असलकुम ये रोड साइड एक क्विक रिव्यू है एक एलईडी लाइट का जो मोटरसाइकिल पर मैंने लगवाई थी रिसेंटली जो शायद आपने वीडियो में भी देखी होगी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी होंडा सी डी सेवेंटी का रिव्यू तो ये जो लाइट है इसका थ्रो बहुत अच्छा है लेकिन इस टाइम पे धुंध बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ना थोड़ा रिजल्ट क्लियर नहीं आ रहा तो एक बात ये आपको बताऊँ कि ये जो लाइट है थ्री फेजेस में आती है इसको हाई फेज पे रखने वाली बात थोड़ी बहुत जो है सही नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल आंखों में पड़ती है तो एक तो इसका ये फेज है ठीक है और दूसरा जो इसका फेज है वो ये है ये एक्चुअल में एक फॉग लाइट है धुंध के अंदर जो एक्सीडेंट का खतरा होता है इससे थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि दूर से जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो इस लाइट की मदद से आपको देख लेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ है और ये एक्चुअली जो है ना फोग लाइट है ये कोई इस किस्म की बीम नहीं है जो मतलब जिसका दूर तक थ्रो जाता हो ये बस इंडिकेट करने के लिए कि सामने कोई आ रहा है इसका थ्रो बहुत अच्छा है लेकिन अभी धुंध की वजह से ये सारी धुंध ही नज़र आ रही है अराउंड अराउंड ये करेगी इसका जो थ्रो है वो तकरीबन होगा कोई आ... बीस से पच्चीस फुट ये लाइट जो है थ्रो करती है उसके अलावा इसका तीसरा फेज़ है वो ये वाला है ये बिल्कुल जो है ना ब्लू है जो फोक लाइट जो मतलब कार्स वग़ैरह के अंदर इस्तेमाल भी की जाती है और इसके अलावा आपको बताऊं कि अच्छा ये जो इसका फेज़ है ये बिल्कुल डाउन वाला है ये आपके जो टायर है उसके तकरीबन आठ से दस फीट तक ये जो है थ्रो करेगा ये बिल्कुल परफेक्ट है नॉर्मल रूटीन में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा फॉग है जैसे अब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मैं जिधर भी लाइट को थ्रो कर रहा हूँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन जो सामने से ऑब्जेक्ट आएगा वो ये लाइट ज़रूर देख लेगा मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ कि ये लाइट जो है कैसे शो होती है ये आप फ्रंट से देखें ये देखें ये बिल्कुल आँखों वगैरह में नहीं पड़ती और बिल्कुल मतलब ये नीचे लगी हुई है इसका जो थ्रो है वो नीचे ही रहेगा धुंध में तो आने वाला जो ऑब्जेक्ट है फ्रंट से वो क्लियरली इसको देख सकेगा अच्छा बाकी जो इसका फेज है वो इसलिए है कि आप डिपर दे सकते हैं किसी से अगर आपने ओवरटेक करना है तो पहले आप डिपर देंगे फिर आप ओवरटेक कर सकते हैं ये जो मैंने लगाई हुई है ये हेड के बिल्कुल नीचे इसकी सेटिंग की हुई है क्योंकि हेडलाइट के अंदर कुछ चेंजेस करना वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है हेडलाइट को आप ओरिजिनल ही रखें बाकी ऐसी सिचुएशन में जिसमें इतनी ज़्यादा धुंध हो जैसे आप देख सकते हैं आप जो है ये वाली लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रो तो बहुत अच्छा है इसका और इसकी जो कीमत है वो है तकरीबन तीन हज़ार रुपये ये मैंने ऑर्डर की थी दराज से अगर आपने ऑर्डर करनी हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा वो बैटरी के साथ कटआउट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है ये लाइट वैसे ही काम करेगी लेकिन मोटरसाइकिल अगर आप इस तरह खड़ा हुआ है जैसे ये खड़ा हुआ है अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो बैटरी आपकी डाउन हो सकती है तो जाहिर सी बात है जब आप रात में निकलेंगे तो तब ही यूज़ करेंगे तो ये लाइट काफ़ी अच्छी है इसका थ्रो भी अच्छा है और कीमत भी इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है तीन हज़ार कुछ इसकी जो है कीमत है अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे ख्याल से लाइट काफ़ी बेहतरीन है वैसे मैंने इसको अपने जो है सी डी पाँच मॉडल पर भी लगाया था उस पर भी इसका अच्छा रिज़ल्ट था और अभी ये है दो हज़ार चौबीस मॉडल पर लगी हुई है बैटरी भी न्यू है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है धुंध के लिए ये लाइट बिल्कुल परफेक्ट है आपको जो है हादसा वगैरह से बचा लेगी क्योंकि सामने से आने वाले को पता होगा कि आगे कोई चीज़ आ रही है तो ये कोई वीडियो है अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें कोई मसला नहीं है इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाएँ शुक्रिया